अभी गूगल में जाओ, यहाँ से ऑन कर लिया, यहाँ पर आई करके खाओ, यहाँ पर एसी चालू कर लेते हैं एसी, यहाँ पर वैसे 1, 2, 3, 4 कितना आपको वो चाहिए, और बाकी अब हमको तो 2 चाहिए वैसे। इंडिकेटर यहाँ दिखाओ, इंडिकेटर यहाँ पर आ जाते, बाकी यहाँ का भी दिखाएंगे अभी आपको, और यहाँ पर आ जाओ कैसे, बाकी यहाँ पर अगर आप पर डायरेक्ट हवा चाहिए, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर हवा चाहिए सीधा टायरों और यहाँ पर तो यहाँ पर, और अगर आपको खाली ड्राइविंग सीट पर ये टूटा हुआ यार, ये बहुत दिक्कत है, इसको ठीक करेंगे अभी हम, अगर आप यहाँ पैरों पे मिलेगी खाली, ये एग्जॉस्ट का मुझे तो पता नहीं ज़्यादा, हाँ मतलब पैरों पे भी आएगी और शीशे पे जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर शॉप के टाइम पर अगर आपको गर्म हवा चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हो, और खाली अगर आपको यहाँ यहाँ में चाहिए तो आप यहाँ वाला मोड ले सकते हो, बाकी ये आपको मोड दिखाते हैं, यहाँ पर ये आ गया है FM, अद्भुत नमूने मिलते हैं, बाकी ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वॉल्यूम यहाँ से आप होती है, मैक्सिस की है 62, यहाँ से कम होती है, फोन आ रहा हो तो यहाँ से उठा लो, कम आ रहा हो तो PVR वगैरह सेटिंग वगैरह होती है, इसकी ट्यून वगैरह अगर आगे पीछे करना तो वो, और इसका मोड FM2 आ गया है, और FM2 वो ये दिया गया है इससे सबसे बढ़िया, जैसे कि यहाँ की गाड़ी है ना, यही दिखाओ आप मेरे को, मत दिखाओ, जैसे कि यहाँ की गाड़ी है ना तो यही चलता है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं चलता है, तो FM2 में ये है कि जो ज्यादा दूर वाला है वहाँ चलेगा इस गाड़ी में, ये बाकी अब FM1 को यहाँ चलेगा, FM2 यहाँ चलेगा, इसका ब्लूटूथ डिवाइस भी है और वॉल्यूम मैक्स है, तो मतलब आवाज को बहुत बढ़िया आती है, और वैसे वाइपर की बात करें तो अब सामने दिखाओ शीशे पे, वाइपर को एकदम जबरदस्त है, देखिए ये एकदम गजब है, और बाकी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाकी इधर जितना मुझे नहीं पता, बाकी नॉर्मल ही बात होती है वैसे ही, अब मैं आपको हेडलाइट की बात करती हूँ यहाँ पर, बाकी स्टेयरिंग व्हील भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो यहाँ पर भी, यहाँ से अपना बोनेट वगैरह, वैसे ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, और बाकी यहाँ से देखा हो गई ना, देखो अब इसको ऐसे कर हो गई, अब इसको लेफ्ट लिया, लेफ्ट पकड़ो जी, देखना फोकस कर, हो गई खुद ही हो गई, बाकी ये मोड भी है इसमें, बाकी इसमें लाइट जलेगी रात वगैरह में, बाकी नॉर्मल अब यह कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा ही नहीं, मतलब ऐसे होएगा ही नहीं, ऐसे में ही होगा, और ऐसे में तो हिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, बाकी पीछे सारे कंट्रोल हमारे शीशे हाथ में रख के, बाकी लॉक करने का भी लॉक कर दिया मैंने, वहाँ का शीशा खाली तू खोलियो, शीशा खोल, नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, खोल ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर ऊपर वही कर रही है, और हमने यहाँ से लॉक कर दिया, मैं भी नहीं खोल पाऊँगा ना, हवा खोल पाएगी यहाँ की, बल्कि नीचे एक बारी, यहाँ की एक बारी में अगर नीचे दबाया तो खुद ही चलेगा, और पकड़ो हर्ष जी आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर जब 1, 2 खुद ही ऑटोमेटिक हो रही है, 1, 2 खुद ही ऑटोमेटिक नीचे हो रहा है, 1, 2 खुद ही ऊपर नीचे हो रहा है, और अब दिखाते हैं इसकी वैसे यहाँ पर हैंडल, मतलब डोर लॉक की बात की जाए तो बहुत बढ़िया दिखाई जा रही है, बाकी एसी की भी बात करें तो बहुत बढ़िया है, और अब यहाँ पर आते हैं अपनी टोटल गाड़ी चली है अपनी 15113, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारी आती है ट्रिप, यहाँ आती है हमारी ट्रिप, ये एवरेज हमारी इतनी की आ रही है 13.13 की, और ये रेंज इतनी आ रही है इसकी, रेंज इतनी आ रही है इसकी, बाकी एवरेज इसकी इतनी आ रही है, बीच में हम चेंज कर देते थे, बाकी पेट्रोल इसमें इतना ही है, और पेट्रोल टैंक इसका मेरे ख्याल से 50 लीटर या 45 लीटर का टैंक है, 3000 में आपकी एक फुल हो जाती है, मतलब 3-3200 में, बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड दे, अरे इंडिकेटर तो बंद करो, बाकी एरी ये मुझे ये समझ नहीं आता, हॉट और मीडियम मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, तो
बाकी अब चलते हैं ऑटोमेटिक गियर पे। मैंने यहाँ से दबाई ब्रेक, अगर आप ब्रेक नहीं दबाओगे ना तो यहाँ से हिलेगा ही नहीं। मैंने दबा नहीं रखी ना जो हिलेगा ही नहीं। अगर ब्रेक दबाई तो ये हुई पीछे, यहाँ हो गया, यहाँ आ गया पीछे का, ठीक है, और यहाँ न्यूट्रल हो गई। अगर आप गाड़ी यहाँ से बंद करोगे ना बंद होएगी नहीं, चाबी बाहर ही नहीं आएगी न्यूट्रल पे, ऑटोमेटिक में ये सिस्टम है। अगर आपको अलग से करना है यहाँ से खोलो गाड़ी को, ओपन करो और इसको दबा दो और फिर गाड़ी को आप न्यूट्रल पे करके छोड़ सकते हो। और ये ड्राइव मोड, बाकी इधर करके मैनुअल, ये फर्स्ट पे, फर्स्ट पर आ गई, ड्राइव पर आ गई। बाकी अगर आप प्लस पे जाओगे तो गियर बढ़ जाएगा, माइनस पे जाओगे गियर घट जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें ये है और बाकी और सिस्टम भी दिखाते हैं आपको। बाकी इसमें 12 वोल्ट का वो है, इसमें चार्ज करने का, ये हमारा कौन सी कंपनी का ये कब नहीं पता। बाकी है इसमें, बाकी आपको यहाँ लाइट जलती है एकदम, यहाँ भी लाइट जलती है, देखो स्पेस यहाँ दो बोतल से रख सकते हो आप। और बाकी रिव्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे गाड़ी। अगर आपको बाय करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँ भैया का जिनसे हमने लिया है, और हम मिलते हैं वीडियो के आगे। यहाँ पर भी मिरर मिल जाता है आपको, वैसे ड्राइविंग सीट पे मिलता नहीं है, यहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आपको यहाँ कागज रखने को रख लो, अगर आपको धूप लग रही है तो यहाँ पर ऐसे कर लो, यहाँ लगा भी सकते हो। अगर आपको यहाँ कागज रखने को रख लो, यहाँ पर आपको नहीं मिलते, कभी भी ऐसे मत बैठ जाना, सीधा आके आके नहीं गिरोगे। और यहाँ का भी हमने हटा रखा वैसी है सेम। बाकी यहाँ पर भी शीशा दिया जाता है, और इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छे चीज बता रखी है। बाकी इसकी स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। बस गाड़ी में ज्यादा कुछ नहीं, टॉप मॉडल बनी है, टॉप मॉडल होते तो बहुत ही ज्यादा मजा आता। और अगर आपको कोई और गाड़ी का वरना का रिव्यू चाहिए तो आप बताना मुझे, क्योंकि मैं अपने दोस्त को बोलूँगा। अगर आपको वरना का रिव्यू चाहिए तो मैं आप बताना मुझे, और मिलते लाइट का वो तो ध्यान ही रखिएगा। यहाँ पर लाइट जल जाती है ऐसे करने पे, अगर ऐसे पीछे कर दोगे तो फिर वो हो गई, अगर आप ऐसे ऐसे झपकाओगे तो वो हो गई डिप पर, ये बंद। बाकी इंडिकेटर ऐसे, फिर नीचे कर दो तो ऐसे नीचे करने पे, बस कुछ नहीं है। बाकी हमको तो मजा आ गया गाड़ी में बैठे है ना अच्छी। और ये मेरे को कह रही है वीडियो में, मतलब मेरे को गाड़ी गली सर्विस को कह के मजा, और क्या बताए, बस गला सूख गया बैठे बैठे भी। हम मिलते हैं वीडियो के आगे। गाड़ी को बोलते हैं पर बाय, और आपको भी बोलते हैं पर बाय। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको गाड़ी बाय करनी है तो नंबर दे दूँगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना जो नहीं है चैनल पर, और भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। और भाइयों छोटी सी कवाई बात है, मेरा यहाँ गला सूख गया, इसको देखता मतलब इतनी शर्म आती है ना, क्योंकि अब क्या गाड़ी लिखती है इतनी महंगी 11 लाख की, और सीटिंग प्लान भी अच्छा, मतलब 6 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। अगर हम चार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना तो कोई इसको बैल गाड़ी बना दीजिए, नहीं गाड़ी जो भी है ना अच्छी। हाँ, और अभी कल भी हाउस शीशे में, बाकी हम भागते हैं अब बोलते हैं बाय, और बाय गाड़ी।